Hello everyone, welcome to the video series of C programming. So in this video lecture, I'm going to discuss another type of decision making and branching statement that is called switch case statement. So basically, बच्चों last class में आपने previous classes में आपने देखा था, मैंने if statement के बारे में बात की, जिसमें आपने simple if देखा था, if else statement देखा था, later if else statement देखा था और आपने nested if else भी देखा था. तो आज के इस वीडियो के थ्रू आप समझोगे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट है उसे हम स्विच केस कहते हैं और उसके बारे में आप समझोगे. सबसे पहले बच्चों आप समझो कि यहाँ पे सिंटेक्स क्या होता है, यानी कैसे स्विच केस को हम यूज करते हैं. बेसिकली एज द नेम सजेस्ट स्विच केस की बात करें तो यहाँ पे बच्चों हम स्विच कीवर्ड यूज करते हैं, है ना, स्विच केस के लिए. और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कभी कभी चॉइस भी कहते हैं या ऑप्शन भी कहते हैं. अब होगा क्या बच्चों, यहां पे हम जो भी एक्सप्रेशन देंगे या जो भी वैल्यू देंगे या जो भी चॉइस देंगे उसके अकॉर्डिंग ये स्विच केस हमारा काम करने वाला है. अब बच्चों कैसे काम करेगा, तो यहां आप जो भी दोगे वो इस वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री या किसी ना किसी वैल्यू से वो क्या करता है, मैच करता है. और जिससे वो मैच करेगा वो पार्ट एक्सिक्यूट होगा. सपोज करते हैं कि हमने वैल्यू वन जो भी दिया यहाँ पे वो वैल्यू वन से मैच करता है, उस केस में ये पार्ट क्या होगा बच्चों, एक्सिक्यूट करेगा. ठीक है, यदि मान लो आपने जो वैल्यू दिया हो या जो आपने एक्सप्रेशन दिया या जो भी चॉइस दिया वो वैल्यू टू से करेगा तो ये पार्ट एक्सिक्यूट होगा. यानी जिस जो भी वैल्यू आप इनपुट दोगे वो जिस भी केस नंबर से, यानी ये जो केस का जो वैल्यू है उससे मैच करता है वही पार्ट एक्सिक्यूट होगा, बाकी सारा क्या होता है, स्किप हो जाता है. इसी को हम स्विच केस स्टेटमेंट कहते हैं. सिमिलर टू स्विच, आपने बोर्ड देखा, इलेक्ट्रिक बोर्ड देखा होगा, वहां पे स्विच होते हैं. यानी आपको फैन चलाना तो फैन वाला स्विच ऑन करते हो, आपको बल्ब जलाना होता है तो बल्ब वाला स्विच ऑन करते हो, वैसे यहाँ पे स्विच केस की तरह उसी से नाम दिया गया है इसको. और यहाँ पे आप जो भी एक्सप्रेशन दोगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा. यानी वैल्यू वन से मैच करेगा तो ये पार्ट रन होगा, वैल्यू टू से मैच करेगा तो ये पार्ट रन होगा, वैल्यू थ्री से होगा तो ये, जो पार्ट मैच करेगा केस नंबर से वही पार्ट एक्सिक्यूट होता है, बाकी सारा क्या होता है, स्किप हो जाता है. कभी कभी सिचुएशन बच्चों ऐसा भी मिलता है जब हम जो एक्सप्रेशन देते हैं या जो भी चॉइस देते हैं वो किसी भी केस नंबर से जो है ना मैच नहीं करता है, उस केस में बच्चों हमारे पास एक डिफॉल्ट केस होता है. ये तब काम करेगा जब आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू या जो आपने चॉइस दिया है वो किसी भी केस नंबर से मैच नहीं करेगा, तो उस केस में आपका डिफॉल्ट केस काम करता है, इसको डिफॉल्ट केस कहते हैं हम लोग. ठीक है ना बच्चों. और स्विच केस है तो ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर बहुत सारे केस नंबर होते हैं और उसके अंदर आप चाहते हो कि ये जिससे भी मैच करे उसके अकॉर्डिंग पार्टिकुलर स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो, उस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे लिखोगे, तो इसी तरह से यूज करते हैं. यहाँ पे मैंने आपको फ्लो चार्ट शो किया है कि सबसे पहले आप जो भी वैल्यू दोगे, कंडीशन एक्सप्रेशन दोगे, वो सबसे पहले केस वन से, जो केस वन जो होगा उससे मैच करता है. यदि वो मैच कर गया तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, रन होगा और ब्रेक हो जाएगा, बाकी सारा फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, और जैसे ये ट्रू होगा मान लो तो ये के बाहर आ जाएगा इससे. यदि मान लो केस वन फॉल्स हो गया तो केस टू को मैच करेगा, वो केस टू का रन करेगा, यदि केस टू भी फॉल्स हो गया तो केस थ्री, और इस तरह से लास्ट वैल्यू में मान लो कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट केस मैच करता है, उस केस में डिफॉल्ट का जो स्टेटमेंट होगा वो रन करेगा और फाइनली आपका स्विच केस कंप्लीट हो जाएगा. तो ये था थ्योरेटिकल कंसेप्ट बच्चों. तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि स्विच केस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम सी प्रोग्रामिंग में. सो लेट मी ओपन कोड ब्लॉक. ओके, हमने कोड ब्लॉक ओपन कर रखा है बच्चों और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ कोड भी ऑलरेडी पहले से लिख रखा है यहाँ पे. और एक काम मैं और करता हूँ, यहाँ पे वाइट लिखता हूँ और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट को मैं गायब कर देता हूँ. सो बेसिकली आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हमने जो कोड लिखा है, यहाँ हम एक छोटा सा कैलकुलेटर ये बनाने वाले हैं स्विच केस के हेल्प से, जहां पे यदि मैं प्लस एंटर करूंगा तो एडिशन के लिए, माइनस एंटर किया तो सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन से एस्ट्रिक सिंबल एंटर किया तो मल्टीप्लीकेशन होगा और स्लैश सिंपल किया तो डिवीजन होना चाहिए. तो मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर यहाँ पे बनाने की कोशिश की है. उसके लिए हमने सबसे पहले मैसेज दिया है बच्चों, और चूंकि मैसेज जो दिया है हमने कि एंटर ऑपरेटर, तो जो भी बच्चे को यदि एडिशन करना वो प्लस सिंबल एड एंटर करेंगे, यदि सब्ट्रैक्शन करना तो माइनस सिंबल, उसके अकॉर्डिंग हमने चॉइस दिया यहाँ पे. पहले यूजर को हमने बताया कि आप इसमें से कोई भी एंटर कर सकते हो, और जब एंटर करेगा कोई यूजर वो, तो प्लस माइनस सब है क्या बच्चों, ये सब सिंबल है, ये कैरेक्टर पार्ट में आता है, तो इसके लिए कैरेक्टर टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम है ऑपरेटर.
या ऑपरेशन, ठीक है, और जो भी वो प्लस माइनस एंटर करेंगे वो इस ऑपरेशन वेरिएबल में होगा, किस फॉर्म में, वो कैरेक्टर के फॉर्म में होगा। ओके, अब बच्चों हमें इसमें से कोई भी ऑपरेशन चाहिए उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एटलीस्ट दो ऑपरेंड चाहिए होगा, यानी दो वैल्यू चाहिए होगा। उसके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज दे रखा है, एंटर टू ऑपरेंड, दो वैल्यू चाहिए होगा, जिस पहले वैल्यू को हम एन वन में स्टोर करेंगे और सेकंड वैल्यू को एन टू में करेंगे। आई होप ऑलरेडी आप इनपुट का प्रोसेस जानते हो। उसके लिए हमने दो वेरिएबल लिया, एन वन एन टू लिया, ठीक है। चलो अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम चाहते हैं कि ऑपरेशन क्या हो, और हम यहाँ पे स्विच केस यूज करने वाले हैं। स्विच के लिए हम स्विच कीवर्ड यूज करेंगे, है ना, स्विच कीवर्ड यूज करेंगे, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन में क्या देने वाला हूं कि जो भी हमारा ऑपरेशन से वैल्यू मैच करेगा केस नंबर, उसी से हम शूट करने वाले। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल मैं क्या देता हूँ, ऑपरेशन हमारा एक्सप्रेशन का काम करेगा, ऑपरेशन जो हमने दे रखा है, और ये स्विच केस को हमने ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया। इसके अंदर हम बहुत सारे केसेस देंगे, तो हमें क्या चेक करना है बच्चों, प्लस माइनस इंटू डिविजन, चार ऑप्शन हमारे पास है। उसके अलावा एक डिफॉल्ट केस भी होगा, तो हम यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास है, चार केस यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले केस वन, और चूंकि ये जो प्लस माइनस सिंबल ये क्या है, ये कैरेक्टर है, तो उसको हम सिंगल कोट में लिखेंगे केस नंबर। तो मैंने प्लस लिखा यहाँ पे कॉलन, नेक्स्ट हम यूज करेंगे केस नंबर, ठीक है, केस नंबर, ठीक है, और इसमें पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं, ठीक है, इसमें मैं लिखता हूं सपोज प्रिंट एफ, यानी जब इनपुट होगा तो जब प्लस से मैच करें तो हम चाहते हैं दोनों का एडिशन प्रिंट हो, तो एडिशन इक्वल टू परसेंट डी, और यहां वैल्यू आए ए, यानी जो भी वैल्यू हमने लिया है एन वन प्लस एन टू, ठीक है, और ये प्रिंट होना चाहिए। और उसके बाद ब्रेक में यूज करूंगा, क्योंकि हमें उसके बाद मैं बाहर हो जाना चाहता हूं, तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, ब्रेक, ताकि जैसे ये काम कंप्लीट हो वो इस स्विच के से बाहर हो जाए। नेक्स्ट केस टू यूज करता हूं, केस टू में मैं देने वाला हूं यहाँ पे माइनस सिंबल, ठीक है, एंड देन कॉलन, और यहां पे मैं यूज करूंगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू परसेंट डी, है ना, और कॉमा मैं यूज करता हूं यहाँ पे एन वन माइनस एन टू, ठीक है, और फिर इसको भी मैं ब्रेक स्टेट में यूज करूँ, जैसे ये कंप्लीट हो मैं चाहूंगा कि ये जो कंट्रोल है वो स्विच के से बाहर हो जाए, मैंने ब्रेक यूज किया है। नेक्स्ट केस थ्री में देने वाला हूँ यहाँ पे केस, और इसमें मैं यूज करूंगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल देता हूं और कॉलन, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा प्रिंट प्रिंट एफ, और मैं यूज करूंगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू परसेंट डी, है ना, और कॉमा मैं लिखूंगा एन वन इंटू एन टू, ठीक है, और इसके बाद मैं यूज करने वाला हूँ ब्रेक ताकि स्विच केस से बाहर आ जाए। एंड लास्ट केस हमारा क्या है, लास्ट केस हमारा है वो क्या है, डिवीजन, तो ये हो गया, कॉलन दूंगा मैं यहाँ पे और प्रिंट एफ, मैं लिखूंगा डिवीजन, डिवीजन इक्वल्स टू परसेंट डी, और यहां पे मैं यूज करूंगा कॉमा एन वन डिवाइडेड बाय एन टू, ठीक है, और इस तरीके से हमने सारा केस दिया, और लास्ट में हम ब्रेक यूज करने वाले हैं, ब्रेक यूज करने वाले हैं। तो हमने चार ऑप्शंस के लिए चार केसेस हमने दे दिए कि इसमें से किससे भी मैच होगा, जिससे भी मैच होगा वो पार्ट एक्सक्यूट होने वाला है, और एक लास्ट केस हम देने वाले हैं बच्चों, इसको कहते हैं डिफॉल्ट केस, है ना, कि मान लो कभी सिचुएशन ऐसा आएगा जब हमने इनपुट दिया वो किसी से मैच नहीं करेगा, तो उस केस में हम चाहते हैं कि एक डिफॉल्ट केस होना चाहिए जो या तो बताए कि आपने जो इनपुट दिया है वो गलत दिया है, ठीक है, तो डिफॉल्ट केस होगा डिफॉल्ट कॉलन, और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ, और मैसेज दूंगा सॉरी सॉरी यू हैव
entered incorrect choice. ओके सो इस तरीके से मैसेज आएगा बच्चों, और यहां भी मैं okay. और मैं इसको क्लोज कर देता हूं. तो ये हमारा छोटा सा स्विच केस का प्रोग्राम है बच्चों. ओके अब देखिए मैं यहां पे इसको रन करने वाला हूं. ओके देख सकते हैं एंटर एन ऑपरेटर. तो हमारे पास एक मैसेज है कि उसमें से कह रहा है कि कोई भी ऑपरेशन जो करना चाहते हैं इसमें से वो आपको एंटर करना है. मैं यहाँ पे प्लस देता हूँ. ठीक है चला गया वो ऑपरेशन वेरिएबल में चला गया होगा. अब हमसे पूछ रहा है कि दो वैल्यू देना है. मैं यहाँ पे 23 स्पेस और 45 देता हूँ. और जैसे इनपुट करूंगा देखिए आपको विजिबल होगा एडिशन, रिजल्ट मिल गया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऑपरेशन में क्या दिया था, प्लस सिंबल दिया था जो कि इससे मैच हुआ. और ये प्लस सिंबल जो है वो केस वन यानी प्लस इस केस से वो मैच हो गया, और इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपका एडिशन प्रिंट हो गया उसका. ठीक है और जैसे एडिशन प्रिंट हुआ कंप्लीट हो गया प्रोसेस, ब्रेक हो गया यानी स्विच केस से हम बाहर चले गए और हमारा प्रोग्राम भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट मैं फिर से रन करने वाला हूँ. ठीक है अब मैं दे देता हूँ यहाँ पे माइनस सिंबल. ठीक है फिर से दो वैल्यू दूंगा मैं, 34 स्पेस 23, आपको रिजल्ट मिल गया बच्चों. सिमिलरली मैं क्या करने वाला, इस केस में क्या हुआ बच्चों, मैंने माइनस दिया. अब ऑपरेशन में जो वैल्यू माइनस गया होगा सिंबल कैरेक्टर वो इसके केस से मैच कर गया, इसके से मैच किया इसलिए ये पार्ट एक्सिक्यूट होगा. और यहाँ पे क्या आएगा आपको, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू दिस. और यहाँ पे ब्रेक किया हमने वो स्विच केस से बाहर चला जाएगा. मैं फिर से रन कर रहा हूँ इसको. नेक्स्ट टाइम मैं इनपुट करने वाला एस्ट्रिक सिंबल मतलब मल्टीप्लीकेशन. अब मैं एंटर करता हूँ फिर वेरिएबल में दूंगा 21 स्पेस 2 में दे देता हूँ, और आप देख सकते हैं उसका 42 आ गया रिजल्ट. तो अभी क्या है बच्चों, जो हमने वैल्यू दिया उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन किससे मैच किया, थर्ड केस से मैच किया, और ये पार्ट एक्सिक्यूट हुआ. ठीक है और बाहर आ गया. फिर मैं एंटर करता हूँ, इस बार मैं वैल्यू देने वाला हूँ स्लैश यानी डिविजन का. एंटर करता हूँ मैं देता हूँ 24 और मैं देता हूँ यहाँ पे 6. ठीक है और आप देख सकते हैं डिवीजन के 4 आया हमें. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो हमने ऑपरेशन दिया था डिवीजन वो केस 4 से मैच किया. और यहाँ पे चलिए एक केस हम और भी देखते हैं जब मैं इस पे से कोई इनपुट नहीं देने वाला, मैं कुछ और ही इनपुट देता हूँ. मैं देता हूँ सपोज एट द रेट. ठीक है ऐसा कोई देख सकते हैं, कोई भी इनपुट नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है. अब हम दो वैल्यू देंगे यहाँ पे 23 45. अब देख सकते हैं क्या मैसेज आया आपको, सॉरी यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट चॉइस. क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो चॉइस था उसमें से मैंने कोई भी नहीं दिया, मैंने ऐसा दिया जो इस चॉइस से बाहर का था कैरेक्टर. तो इसीलिए देखते हैं डिफॉल्ट केस यहाँ पे रन किया. तो इसी तरीके से बच्चों क्या होता है, आपका स्विच केस काम करता है. आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो भी आप चॉइस दोगे ऑपरेशन का वैल्यू जाएगा, उसके अकॉर्डिंग केस मैच करता है और उसके अकॉर्डिंग वो पार्ट एक्सक्यूट होगा, बाकी पार्ट स्किप हो जाता है. अभी देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है बच्चों, यदि मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट सब सारा हटा दूं तो क्या होगा. यदि मैं यहां से ब्रेक स्टेटमेंट हटा दूं, मैं यहां से भी ब्रेक स्टेटमेंट हटा दूं, यदि ब्रेक आप नहीं दोगे तो क्या होगा, उसके बाद वाला भी पार्ट भी क्या एक्सक्लूड हो जाएगा. अभी मैंने देखो दो ब्रेक हटा दिया. मैं रन करता हूँ और मैं रन करता हूँ यहाँ पे मैं क्या दूंगा, सपोज मैंने प्लस दिया यहाँ पे. ठीक है मैंने प्लस सिंबल दिया, मैंने वैल्यू भी दिया 23 और 45. अभी देखो चूंकि हमने ब्रेक हटा दिया वैल्यू क्या आएगा हमें, एडिशन भी आया सब्ट्रैक्शन भी आया, ऐसा क्यों, मल्टीप्लीकेशन भी आया. आप देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, रीजन ये है बच्चों क्योंकि मैंने प्लस दिया और मैं ब्रेक हटा दिया हूं यहाँ पे. अब क्या है कि वो ब्रेक हट गया इसलिए वो नेक्स्ट केस को भी रन कर दे रहा है बाय डिफॉल्ट, और चूंकि यहाँ भी ब्रेक नहीं है तो फिर नेक्स्ट ये भी रन हो रहा है, उसके बाद ब्रेक है यहाँ पे, तो इसके बाद ये आउट ऑफ स्विच केस आ रहा है यहाँ पे. ये एक प्रॉब्लम है बच्चों. तो इसीलिए जब भी आप चाहते हो कि पार्टिकुलर काम के बाद वो स्विच केस से बाहर आ जाए तो आप क्या यूज करोगे, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करोगे, और मस्ट है इसको यूज करना ताकि बाकी जो है उसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट एक केस रन न हो. ठीक है ये ध्यान रखना है, आई होप आपको समझ में आया होगा. तो बच्चों इस वीडियो के थ्रू आपने समझा कि कैसे हम स्विच केस यूज करते हैं. तो तब तक के लिए धन्यवाद.